तो भैया साल के शुरुआत के महीने की गाड़ियों की सेल्स फिगर आ गई है सामने। तो इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 25 कार सेलिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो चलो बात करते हैं इसी वीडियो में यही। तो 25th पोजीशन पर गाड़ी आई है टाटा एल्ट्रोज, जिसकी सेल्स हुई है 4115 यूनिट। तो अब तो टाटा एल्ट्रो सीएनजी वर्जन में भी लॉन्च हो गई है, तो भैया अब तो सेल्स में कमाल करेगी। तो 24th पोजीशन पर आई है मारुति की इग्निस, जिसकी सेल्स हुई है 4548 यूनिट। तो बढ़ते आगे 23वें नंबर पर है किया की सोनेट, जिसकी सेल हुई है 4849 यूनिट। भाई सोनेट हमेशा 15वें 16वें नंबर पर रहती है, पर लुढ़क के अब ये 23वें नंबर पर आ गई है। भाई पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे। तो बढ़ते आगे 22 पोजीशन पर गाड़ी आई है महिंद्रा की XUV 700, इसकी इस महीने सेल हुई है 5023 यूनिट। तो बढ़ते आगे 21 पोजीशन पर आई है Hyundai की i20, जिसकी सेल्स हुई है 5310 यूनिट। तो 20 पोजीशन पर गाड़ी है XUV 300, जिसकी सेल हुई है 5670 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे 19 पोजीशन पर गाड़ी आई है टोयोटा की हाई राइडर। तो भैया ये 25th पोजीशन पे से इस बार 19 पोजीशन पर पहुंच गई है, शायद अगली बार और ऊपर पहुंच जाए ये गाड़ी। तो जिसकी सेल हुई है 5911 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे 18th पोजीशन पर गाड़ी है टाटा की टियागो, जिसकी सेल हुई है 6110 यूनिट। बढ़ते हैं अगले नंबर पर, वह है 17th पोजीशन पर सेल्टोस, इसकी सेल हुई है 6351 यूनिट। भाई सेल्टोस भी हमेशा से टॉप 10 की लिस्ट में तो रहती तो है ही है, पर ये भी लुढ़क के अब के 17th पोजीशन पर गाड़ी आ गई है। भाई पता नहीं इस बार किया कि सेल्स को क्या हुआ, इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई है गाड़ी शुरुआत के महीने में ही। तो बढ़ते आगे 16th पोजीशन पर गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो एन और क्लासिक के दोनों के कंबाइन फिगर है, जिसकी सेल हुई है 6750 यूनिट। तो 15th पोजीशन पर गाड़ी आई है Hyundai की i10 न्यूज, जिसकी सेल्स हुई है 7431 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे 14th पोजीशन पर जो गाड़ी है ना मारुति की अल्टो, भाई यार ये पोजीशन ये गाड़ी डिजर्व नहीं करती सच बताऊं। भाई पता नहीं क्या रीज़न है कि इसकी सेल्स घटती जा रही है हर बार। तो जिसकी सेल हुई है 7910 यूनिट। 13th पोजीशन पर है मारुति की ही गाड़ी ईको, वो यार हमेशा से टॉप 10 में रहती है गाड़ी, पर इस बार ये भी सेल्स में नच्चा कमाल नहीं कर पाई। तो जिसकी सेल हुई है 8112 यूनिट। तो 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की बुलेरो, जिसकी सेल्स हुई है 8990 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे 11th पोजीशन पर गाड़ी आई है Hyundai की वेन्यू, जिसकी सेल्स हुई है 10233 यूनिट। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 10 गाड़ियों के बारे में। तो 10th पोजीशन पर गाड़ी आई है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी सेल हुई है 10538 यूनिट। तो भैया मारुति वाले सच ही बोल रहे थे कि गाड़ियों को दे नहीं पा रहे जिस हिसाब से गाड़ी की बुकिंग हो रही है। तो इस बार मुझे लगता है अच्छी तरह कस्टमर को दी है गाड़ी, तो सेल्स भी बहुत अच्छी हुई है इस गाड़ी की। तो 9th पोजीशन पर गाड़ी आई है Hyundai की क्रेटा, जिसकी सेल हुई है 10810 यूनिट। तो बढ़ते आगे 8th पोजीशन पर गाड़ी आई है मारुति की ही ब्रेजा, जिसकी सेल हुई है 11290 यूनिट। तो बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, 7th पोजीशन पर है मारुति की डिज़ायर, भाई इकलौती सेडान रह गई है जो इतनी अच्छी सेल कर रही है, इसकी सेल हुई है 11485 यूनिट। तो 6th पोजीशन पर गाड़ी है वैगन आर, जिसकी सेल हुई है 11825 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे टॉप 5 की बात कर लेते हैं अब। जा 5th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, इसकी सेल हुई है 12105 यूनिट। और अब तो पंच भैया सीएनजी में भी लॉन्च हो गई है, पर अब और ज़्यादा कमाल करेगी ये गाड़ी, मतलब अब तो इतनी अच्छी बिखरी और अब जा और ज़्यादा बिकेगी क्योंकि सीएनजी में भी आ गई। तो भाई कमाल कर रही टाटा की गाड़ियाँ। तो 4th पोजीशन पर गाड़ी आई है मारुति की अर्टिगा, इसकी सेल हुई है 12570 यूनिट।
तो बढ़ते हैं आगे, थर्ड पोजीशन पर आई है। हमेशा इस तरह थोड़ी अप डाउन रहने वाली, कभी सेकंड पोजीशन पर कभी थर्ड पर, वह है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी सेल हुई है 12,985 यूनिट। तो बढ़ते हैं आगे, सेकंड पोजीशन पर गाड़ी आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी सेल हुई है 12,476 यूनिट। तो भैया फर्स्ट नंबर पर जो गाड़ी आई है ना, हमेशा की तरह फर्स्ट पर रहने वाली गाड़ी मारुति की बलेनो, जिसकी सेल हुई है 18,240 यूनिट। तो ये 25 गाड़ियां है जो जनवरी 2023 में सबसे ज़्यादा बिकी है। तो देखा जाए कुछ गाड़ियां नीचरली तरफ चली गई और कुछ गाड़ी नीचे से ऊपर आ गई। तो देखा जाए गाड़ियों में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला है इस बार जनवरी 2023 में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टाटा।